रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम क्लास यू के जी के लिए फिर से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है साउंड ब्लेंड्स ऑफ र, ब्र, क्र, ड्र, ग्र, प्र एंड ट्र। तो हमने पहले क्लास में र वाला साउंड लिया था और ये हमने इस पे वर्ड्स बनाए थे। तो आज हम ब्र वाले साउंड को लेंगे और इससे वर्ड्स बनाएंगे। ब्र, ब्रेड, ब्रेड जो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं, ब्रेड। ब्र, ब्रिक, ब्रिक मींस ईंट जो हम घर बनाने के लिए यूज करते हैं। ब्र से ब्रंच, दरख्त के जो ब्रंच होते हैं उसको, शाखें होती है उसको ब्रंच बोलते हैं, इसको ब्रंच बोलते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे हम। यहाँ पे हमें रीड करने के लिए दिया है ब्र से वर्ड्स और ट्रेस करने के लिए दिया है, एंड देन लास्ट में हमें इसको लिखना है विथ कर्सिव राइटिंग में। तो हम पहले इसको रीड करेंगे एंड देन ट्रेस करेंगे एंड इसके बाद कर्सिव राइटिंग में लिखने की कोशिश करेंगे। ब्रिज, ब्र से ब्रिज, ब्रिज मींस पुल। ब्र से ब्रूम, ब्रूम मींस झाड़ू। ब्र से ब्रेन, ब्रेन मींस दिमाग। ब्र से ब्राइट, ब्राइट मींस दुल्हन। ब्र से ब्रेक, ब्रेक मींस हम टीवी में देखते हैं कि जब कोई सीरियल चल रहा होता है या कुछ चल रहा होता है तो बीच में 2 या 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक। जब कोई चीज़ करके हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठते हैं उसको ब्रेक बोलते हैं। तो हमें इन वर्ड्स को पढ़ना है और इसके मीनिंग्स पता करने हैं एंड देन इसके बाद हमें इसको ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद हमें इसको लिखना है विथ कर्सिव राइटिंग में, आपको ये लिखना है। तो जितना हो सके आप बुक पे पेंसिल यूज़ कीजिए। मैंने पहले क्लास में भी आपको बोला है कि पेन यूज़ नहीं करना है, आपको पेंसिल यूज़ करना है। पेंसिल से आपको ये बार बार लिखना है, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको इरेज करके फिर से दोबारा लिख सकते हो। तो आपको ये कर्सिव राइटिंग में अपनी बुक पे लिखना है और अपनी नोटबुक पर भी आपको ये कर्सिव राइटिंग में लिखना है। होमवर्क के लिए आप लिख सकते हो या जब आप ऑनलाइन ये देख रहे हो तब भी आप देखकर ये लिख सकते हो। एक्स्ट्रा आप टाइम लेकर ये कर सकते हो अपने घर में। तो आपको ये बार बार आपको ये कर्सिव राइटिंग में लिखना है ताकि आपकी कर्सिव राइटिंग जो है वो परफेक्ट बन जाए। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे हमें कुछ ही वर्ड्स दिए गए हैं तो हम इससे थोड़ा आगे जाकर हम अपने तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स बनाएंगे। हम अपने नोटबुक पर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स बनाएंगे ब्र से। तो मैंने यहाँ आपके लिए कुछ वर्ड्स बनाए हैं ब्र से। ब्र से ब्रेड, ब्रेड मींस लड़कियों के जो बालों को चोटी बनाते हैं हम उसको ब्रेड बोलते हैं। ब्र से ब्रदर, ब्रदर भाई। ब्र से ब्राउन, ब्राउन कलर। ब्र से ब्रेक, कुछ चीज़ टूट जाना, ब्रेक। ब्र से ब्रश, कोई भी ब्रश हो उसको ब्र से ब्रश बोलते हैं। सो आप लोग अपनी नोटबुक पर ये वाला करेंगे, आप इसको अच्छे से इसी तरह जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर नोटबुक पर बना कर रखा है उसी तरह से आपको ये करनी है अपनी नोटबुक पर विथ पिक्चर्स के साथ। अगर ये आप बना सकते हो तो आपके लिए अच्छा है ताकि आपको उस वर्ड्स का मीनिंग आपको पता चल जाएगा कि उस वर्ड को क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, आपको ये समझ में
आना चाहिए। तो आप अगर इससे भी एक्स्ट्रा अगर वर्ड्स आपको मिल जाते हैं ब्र से, तो आप उसको भी अपने नोटबुक पर लिख लीजिए एंड उसका पिक्चर भी आप बना के रखिए, ताकि आपको वो वर्ड्स का जो मीनिंग है वो आपको भूल ना जाए। इसीलिए सो वीवर्स, हम आज ब्र पर हम आज फिनिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए और क्लास लेकर आएंगे ब्र के बाद जो साउंड आते हैं, हम उस पर बहुत सारे एक्टिविटी करेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।